लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं कहता हूं कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं। और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहां हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। बिल्कुल खराब। क्या भाव लाए थे? अठन्नी के 12। अठन्नी के 12 ये लीजिए। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले। लूट मची हुई है चारों तरफ। जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको। अच्छा जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था। आपका आइडिया? ऑफ कोर्स। टिकट प्लीज। टिकट, टिकट, टिकट प्लीज। पास। क्या मैं देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर। कौन शर्मा? अरे भाई वो तुम्हारे डीटीएस। आपका मतलब वर्मा जी से है? हाँ हाँ, वर्मा जी। वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें? 125 रुपये। 125 रुपये। और डियरनेस अलाउंस और भत्ता? 50 रुपये। 50 और 125, 175 रुपये मिलते हैं। और दिन रात बैल की तरह से काम करते हैं। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? रामप्रसाद। रामप्रसाद, राइट। मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू।
मेरा बम्बई समाचार हवा का लीरा। एक अखबार लाओ, ये लो। पैसे? पैसे पैसे कैसे? अरे सारी पुरानी खबरें तो है इसमें सड़ी हुई। पैसे मांगता है, ये ले। टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे समाचार, नवा काल हीरा। ए गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अबे कुछ और काम नहीं है तो कम से कम इस बोर्ड की धूल उड़ा दिया कर, ताकि किसी को मालूम तो हो कि इनाम मेरा है, किसी सड़क का नहीं। यस सर। यस सर। बॉय सिर्फ एक हरफ बाकी रह गया था, उसकी धूल उड़ाकर अभी आया। बहुत धूल उड़ा चुका, चल इधर। यस सर। क्यों बे, कितनी दफा कहा है तुझसे कि ये गिलास चाय से भर के रखा कर मेरे आने से पहले। चल मेरे लिए चला। खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या तकता है, जाता क्यों नहीं? साहब चाय लेने जाता हूँ तो वो मुझे मारने को दौड़ता है। कौन मारने को दौड़ता है? वो साहब शारदा विलास वाला। ओहो, तो लक्ष्मी विलास वाले के पास गया, मामूली सी बात। वहाँ तो साहब गिलास ही छीन कर गटर में फेंकने लगे। इधर आओ। इस इतने बड़े बम्बई के शहर में ये दो छोटी सी चाय की दुकानियों के अलावा कोई और होटल नहीं है? 200 है साहब। फिर चंद्र विलास वाले के 15 रुपए बाकी हैं, पंजाब होटल के 25, खुदा दादी रानी के 18, गोलपी ठपीला हाउस। बस 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 बस, तू बातें बहुत करता, मेरे सवाल का जवाब दे। ये सर, बस एक होटल और रह गया है, उसकी बात कह दूं। वो हनुमान विलास होटल वाला कहता है कि वो आपको जानता ही नहीं। मुझे नहीं जानता? नहीं सर। तो कोई नया आदमी मालूम होता है? ये सर। कोट ला। क्या नाम बताया? हनुमान विलास होटल। हनुमान विलास होटल। क्या लाऊं साहब? टेबल पे सवार ना हो, नहीं तो टेबल तुम पे सवार हो जाएगी। क्या लाऊं साहब? है क्या तुम्हारे पास? दिल्ली के दालमोठ, आगरे का पेठा, कलकत्ते के रसगुल्ले, रेवाड़ी के रेवड़ी, हापड़ के पापड़, मथुरा के मलाई। कुछ बंबई का भी है? है क्यों नहीं साहब, चाय है। चाय है? दूध कैसा है, सफेद है? गारंटेड मिल्क साहब, पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क। अच्छा एक चाय ले आओ। सुनो, गिलास मिलाना स्पेशल। क्यों भाई, यहां ये एक ही लड़की की चार चार तस्वीरें क्यों लगाई? चार क्या साहब, इस लड़की की 40 तस्वीरें हो तो भी हमारे मालिक सबको टांग दे। अच्छा, क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ कद्रदानी। ये लड़की है कौन? आप नहीं जानते? मिस मालिनी कला मंदिर में काम करती है ना? करती होगी, मैंने स्टेज की एक्ट्रेसों के जानने का ठेका थोड़ी लिया। जोर से न बोलिए साहब, मालिक ने सुन लिया तो चाय क्या पानी भी नहीं पीने देंगे। अच्छा, वो तो मिस मालिनी के चाहने वाले को भी चाहते हैं। अच्छा, तुम्हारे मालिक हैं कहाँ, दिखाई नहीं देते? वो आए। ये आपकी नाक है या नगाड़ा? बस 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 साहब, धंधा करने दोगे या नहीं? वाह साहब वाह, आपके होटल को कुल 2 ही रोज हुए हैं खुले हुए,
मगर सारा शहर बातें कर रहा है। लोग क्या कहते हैं साहब? कहते नहीं हैं साहब, गाते हैं आपकी चाय के गीत। अच्छा? हमने बंबई में कोई होटल नहीं छोड़ा मगर आपके होटल की चाय का जवाब नहीं। साहब आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। इनको निपटा दीजिए ना। जी हाँ। जिधर देखो हमारी मालनी ही मालनी की बहार है। आप मालनी को जानते हैं? जानता हूँ। हाँ? आप भी क्या सवाल करते हैं। इतनी सी थी जब मेरी गोदियों में खेला करती थी। अच्छा हो। अरे आप खड़े हैं? ए पांड्या के बच्चे कुर्सी ले आ। साहब मैं कहता हूँ, साहब मैं कहता हूँ, मेरा मतलब है कि मैं समझता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि मालिनी खूबसूरती में लाजवाब। मैंने तो उसके बाप से उसी वक्त कह दिया था कि इस लड़की में एक्ट्रेस होने की तमाम खूबियां मौजूद। देखिए ना, फेस कट, नोज कट, हेयर कट, चाल ढाल, रूप रंग सब एवन। सबसे पहले मैं ही उसे स्टेज पे लाया था। तो मैंने राय साहब को अपॉइंटमेंट दे रखा है, वो आपका बॉय बिल नहीं लाया। अजी साहब बिल की क्या जरूरत है, अब तो आप रोज आया करेंगे। जरूर आया करेंगे साहब, जब तक आपके दरवाजे हमारे लिए खुले। अजी साहब हमेशा के लिए खुले हैं आपके लिए। अच्छा अच्छा साहब, साहब मुझे आपसे कुछ बातें करनी है फुर्सत में। अच्छी बात है, बता। मैं वेरी बिजी मैन। मेरा मतलब है कि मेरा दिल चाहता है, यानी मैं चाहता हूं कि एक कप चाय मालिनी को अपने हाथों से पिला दूं। बस ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब चाहो हो सकता है। हो सकता है, बड़ी मेहरबानी होगी। भगवान देना है। हाँ दे। ये क्या कर रहे हैं साहब आप? ये दुकान ही आपकी है। ऑलराइट थैंक यू। क्या आदमी है। ऑफिस में जाके परमिट लाओ। क्या परमिट? अयो देख तोरी, पानी के लिए भी परमिट? हाँ जी हाँ, एक नहीं दो दो परमिट, पानी भरने के लिए एक परमिट और भर के ले जाने के लिए दूसरी परमिट। बड़ी आफत है ये परमिट और कंट्रोल क्या है, औरतों के सिर पे मुसीबत आ गई। अजी सास जी को क्या जवाब दूंगी खाली मटकी ले जाके। क्यों जी, पीने के पानी पे भी परमिट लगा दी? ये क्या अंदर बचा रही तुमने, ये क्या जबरदस्ती है? अजी इनके गले क्यों पड़ रही हो, ये तो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। अच्छे हैं चौधरी साहब।
तुम्हें पानी चाहिए ना, चलो मेरे साथ। मैं सड़कों पर छिड़काव कराने का ठेकेदार हूँ, मेरे पास परमिट है, सब इंतजाम हो जाएगा। जगह नहीं, हम तो नरक चले जाए, पर ईश्वर कहता जगह नहीं।
इतनी लंबी चौड़ी दुनिया, हाय फिर भी इतने जगह नहीं, जगह नहीं। आज तुम सबका काम बहुत अच्छा रहा। और मालिनी, तुमने तो खेल में जान ही डाल दी। मैं तो डर रहा था कि नया खेल है, ना जाने कैसा होगा, लेकिन तुमने मेरे विचारों को बड़ी खूबी से अदा किया। मुझे तुम पर नाज है। मेरा मन खुशी से उछल रहा है। उन्होंने कहा उन्हें मुझ पर नाज है। जी चाहता था उनकी बातें सुनते ही रहूं, सुनते ही रहूं। मगर वो चले ही गए निर्मोही। उन्होंने इतना कुछ कहा और मेरे मुंह से एक बात भी ना निकली। तो अभी दूर थोड़े ही गए होंगे, दौड़ जा। खैर तो क्या है कुमार जी? वो कवि महाशय फिर आपसे मिलने आए हैं। वो महाशय जी? भाई मुझे बहुत काम करना है, किसी और वक्त नहीं आ सकते? वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा बुला लो। नमस्ते, बैठिए। हमने कितने ही महाकाव्य रचे, सैकड़ों नाटक लिख डाले, जैसे दानी कर्ण, लक्ष्मी हरण, स्वर्ग की सीढ़ी, नरक में लाठी, पत्नी प्रताप, सती का शाप, ईश्वर का जाप, भक्तों का बाप। हास्य रस है। और इसी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, सुखांत, दुखांत, हास, श्रृंगार, करुणा, वीर, विचित्र, विभत्स इत्यादि नवरसों को निचोड़कर 250 नाटक तैयार कर डाले हमने। ओ, तो ये सब श्रीमान जी की ही रचनाएं हैं? अजी ये क्या, अभी इनसे कई गुनी तैयार रखी हैं। बोझा बढ़ जाता इसलिए न ला सका। संवाद तोता मैना, संगीत नौटंकी, ईश्वर का जाप, इसमें शक नहीं कि इनके लिखने में आपको बेहद मेहनत करनी पड़ी होगी, लेकिन आप सिर्फ तोता मैना, बेताल पचीसी वगैरह ही में लगे रहे हैं। आपने देश की मौजूदा हालत पर नजर नहीं डाली। चिलचिलाती धूप में खून पसीना एक करके दुनिया का पेट भरने वाला किसान खुद भूखा सोता है। खूबसूरत कपड़ों से दूसरों के जिस्म सजाने वाले कोली जुलाहों को कफन का कपड़ा नसीब नहीं होता। आलीशान राजमहलों के बनाने वाले कारीगर टूटी फूटी झोंपड़ियों में जाड़े पाले के दिन बिताते हैं। अज्ञान, अशिक्षा, गरीबी और आपस की फूट ने हमारे देश की रगों में जहर भर दिया है। हर तरफ शैतान जी रहा है, इंसान मर रहा है।
इन गंभीर समस्याओं की तरफ शायद आपका ध्यान नहीं गया। हम अपनी शक्ति भर इन्हीं समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिहाज से मुझे अफसोस है कि आपके ये नाटक हमारे काम नहीं आ सकते। क्या हमारे 250 नाटकों में से एक भी आपके काम का नहीं? आश्चर्य, महाआश्चर्य। बुरा ना मानिए, हम किस तरह के खेल चाहते हैं वो आज आप देख लीजिए। कुमार जी, कवि जी को आज के खेल का एक पास दे दो। जी साहब। धन्यवाद। भरत भावी प्रबल बिलक कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहा। करहु राज परिहर गला, करहु राज परिहर उगलानी पियराम। मानहु मोर वचन हित जानी पियराम, मानहु मोर वचन हित जानी पियराम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फ्रेंड्स, आपने अभी हमारे रेस्पेक्टेड स्वामी आनंद जी महाराज की जबाने मुबारक से रामायण कथा सुनी। आप तो जानते ही हैं कि हमारे एसोसिएशन का मोटो है गरीबों की मदद करो, यानी हेल्प द पुअर। हमारे देश के पुअर लोगों की गरीबी रिमूव करने के लिए, निर्धनों को प्रॉस्परस बनाने के लिए और गरीबों का स्टेटस रेज करने के लिए मैं समझता हूँ, यानी आई मीन टू से सच काइंड्स ऑफ रामायण कथाओं और रिलीजियस डिस्कोर्सेज की कितनी ज़रूरत है, ये मैं दैट आई नीड नॉट टेल यू, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। बट आई डू से हार्टिली दैट वचनों का अमृत पिलाने वाले हमारे श्री स्वामी आनंद जी महाराज मे लिव लॉन्ग। नाउ थ्री चीयर्स फॉर श्री स्वामी आनंद जी महाराज। हिप 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 हिप। गरीबों के सच्चे मददगार की वंदे। बहनों और भाइयों, हमारी जिंदगी त्याग और बलिदान की जिंदगी है। गरीबों की मदद, गरीबों की सेवा और गरीबों का सुधार करना हमारा पहला फर्ज है। मैं असेंबली में 2-4 परमिट या 5-10 कॉन्ट्रैक्ट की खातिर नहीं गया,
आप पूछेंगे कि मैं अपने बेशुमार धंधे, मिले, फैक्ट्रियां, कंपनियां वगैरह छोड़कर वहां क्यों गया? क्या लंबी लंबी तकरीरें करने के लिए या बड़ी बड़ी स्कीमें बनाने के लिए? जी नहीं, मैं असेंबली में इसलिए गया कि मुझसे गरीबों का दुख न देखा गया, उनकी दीन दशा का हाल सुनकर मुझे रोना आ गया। हमारे दुश्मन हमें बदनाम करते हैं कि हम हुकूमत की कुर्सी से चिपके हुए हैं, कि सत्ता हमको बहुत प्यारी है। ये सरासर झूठ है, इल्जाम है, बोहतान है। वो सामने आकर मेरे सवाल का जवाब दे कि धरना देकर, अपमान सहकर, पिटकर, सर फुड़वाकर, जेल जाकर 65 बरस की कठोर तपस्या के बाद जो आजादी हमने हासिल की है, जो अहदे अधिकार हमने पाए हैं, क्या इसलिए कि उन्हें दूसरों के हाथों में सौंप दे? नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। अहिंसा की जय, आजादी जिंदाबाद, शाही जिंदाबाद, मोदीवाद जिंदाबाद। कॉमरेड्स, कहते हैं समुद्र का मंथन करने से अमृत निकला, वो सच हो या ना हो, लेकिन ये जरूर सच है कि दही का मंथन करने से मक्खन निकलेगा। इसका क्या मतलब? यही कि केवल क्रांति और इंकलाब ही से जीवन में हलचल मचाई जा सकती है, जोश पैदा किया जा सकता है और मुल्क को खुशहाल बनाया जा सकता है। हमारे देश से गरीबी दूर होनी चाहिए, भूख का नामो निशान मिट जाना चाहिए और गरीबों को राहत और इत्मीनान की जिंदगी नसीब होनी चाहिए। हम बाबा बलन ऐलान करते हैं कि अगर हम एक भी आदमी को भूख से तड़पता हुआ देख लेंगे तो हम खामोश न रहेंगे, आसमान को सपे उठा लेंगे, जमीन हिला देंगे। हम न खुद खाएंगे न किसी को खाने देंगे। हम गरीबों के लिए जिएंगे, गरीबों के लिए मरेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। च मित्रे च माना अपमानयो, भगवान श्री कृष्ण गीता में ऐसा कह गए हैं। अरे कोई गरीब भूखों मर रहा है बेचारा। भगवान की लीला, यही लिखा था इसके भाग्य में। यत लिखितम विदिना ललाट पटले तम मार्जितम क समर्थ। क्यों? जरा एक मिनट। वाह, क्या पोज है, क्या एंगल, क्या बैकग्राउंड। कौन है वो? कोई भूखा गरीब। ये आदमी तो मर जाएगा मगर इसकी तस्वीर हमेशा जिंदा रहेगी। यही आर्ट है, यही कला। चलिए। साहब, आजकल आपकी स्पीचें बड़ी जोरदार हो रही हैं। और हम करते ही क्या है, चलो। अरे कोई गरीब भूखा मालूम होता है। भिखारियों की प्रॉब्लम हमारे देश में बड़ी विकट होती जा रही है।
इसके लिए हमें जरूर कुछ करना होगा। मैं कल ही असेंबली में प्रस्ताव रखूंगा कि एक कमेटी अपॉइंट की जाए जो पूरी पूरी इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट पेश करे। मैं वादा करता हूं अब और यहां कि एक साल के अंदर अंदर ये रेजोल्यूशन पास करा के छोड़ूंगा। साहब डिनर पार्टी को देर हो रही है, चलिए ना। ओ चलो। हाँ मर गया, मगर एक के मरने से क्या होगा। रोज कम से कम 100 आदमी इसी तरह भूख से तड़प तड़प कर मरने चाहिए, तभी क्रांति होगी, तभी देश का उद्धार होगा। अरे बेली के बाजार में, अरे झुमका गिरा रही, अरे झुमका गिरा रही बरेली के बाजार में। अरे वाह क्या गए हो प्यारे, लूट लिया फकीरों को। अरे झुमका को ये चाहिए, अरे झुमका गिरा हैं? ये कौन? अरे वाह क्या आराम से पड़े हो प्यारे, आज कुछ ज्यादा चढ़ा गए क्या? लो बोलते भी नहीं। अरे भाई तो क्या चल दिए लंबी सफर को, चलो छुट्टी हुई हैं? अभी तक सांस चल रही है तो कोई भूखो मर रहा है बेचारा। सब आए आकर रुके झुके, कुछ बके और फिर भागे। आखिर गरीब के दिल में दया धर्म कुछ जागे। बड़ी बातें बनाने वाले क्या दुखियों का दुख जाने। ओ एक घायल की पीड़ा को बस घायल ही पहचाने। क्यों नहीं कहता कि मालिक मकान साहब तशरीफ लाएंगे? चल जा बाहर बैठ। मैं हफ्ती के पास आया हूं संपत बाबू। ये तो मैं देख रहा हूं। बात यह है कि किराया। किराया क्या कम करना चाहते हैं? जी नहीं, मैं किराया लेने आया हूं। बस या और कुछ? कुछ क्या साहब, आज 6 महीने हुए आप किराया देने का नाम नहीं लेते। आप ठीक कह रहे हैं। आप मुझे मुफ्त के धक्के खिलाते हैं रोज रोज। आपको इस उम्र में धक्के नहीं खाने चाहिए सेठ साहब, घर पे आराम करना चाहिए। आप किराया देते हैं या नहीं? देखा क्या गिरा है छत से, जैसे बर्फी का टुकड़ा। इसी तरह मेरे सर की सुबह रोज पूजा होती है, 5 मिनट यहां आदमी बैठ के कोई काम नहीं कर सकता है। आखिर आप कब मरम्मत कराएंगे इस खंडर की? किराया मिलेगा तो मरम्मत होगी सेठ साहब। मरम्मत एक बात है और किराया दूसरी बात। जानते हैं मकान की मरम्मत न कराने से क्या होता है? एक मेरे दोस्त थे, उनके हाथ पे भी इसी तरीके से ईंट गिर गई थी और छोटी उंगली जख्मी हो गई। उन्होंने मालिक मकान पे मुकदमा ठोक दिया, अदालत ने पूरे 10,000 रुपए दिलवाए उन्हें।
10,000? जी हाँ, वो तो गनीमत हुई कि छोटी उंगली कटी थी जो 10,000 में जान बच गई। अगर कहीं अंगूठा कट जाता तो? साहब, वो दर्जी आया है। आने दे। वो पैसे मांग रहा साहब। तो क्या हुआ? कौन साहब यहाँ ऐसे आते हैं जो पैसा नहीं मांगते? जाके कह दे कि हम सुबह सुबह दर्जी वर्जी से नहीं मिलते। क्या दर्जी मियाँ, तुम भी क्या कपड़े सीते हो? अभी सिलाई के पैसे तो दिए नहीं है और बकिया उधड़ गई। ये देखो, पैसे लेने चले आए। शराफत तो सच्चाई का नाम ही दुनिया से उठ गया। आइए जनाब, तशरीफ लाइए। बहुत अच्छे के बाद मुलाकात हुई आपसे। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जरूर, एक नहीं हजार बातें कीजिए। आइए आइए ना, आप तशरीफ रखें ना। तो फिर मैं आप जा रहे हैं? अच्छा अच्छा जी, मैंने कहा मैं कब? आप कब और कहां के चक्कर में ना पड़िए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन रुपया? रुपया जल्दी क्या है, जब जी गाय भेज दीजिएगा। क्या करूं साहब, जिसे देखिए मेरी मदद का तलबगार है और मुंह मांगा मोल देने के लिए तैयार है। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जी आप ये तो जानते ही हैं कि हम लोग व्यापारी आदमी हैं। जी हाँ, हम लोग व्यापारी आदमी हैं। इसके सिवा हम चाहते हैं। जी हाँ जरूर चाहिए, क्यों ना चाहे। जी बात ये है कि मैं म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। वेरी गुड, एक्सेलेंट, आपको जरूर खड़ा होना चाहिए। पहले मैं महासभा की तरफ से खड़ा हुआ था, फिर कांग्रेस की टिकट पर, और अब मैं अपने नाम से इंडिपेंडेंट खड़ा हो रहा हूँ। वाह वाह शेख साहब, इस छोटी सी उम्र में बड़े बड़ों से मिलने का इत्तेफाक हुआ। लेकिन आप जैसे महापुरुष आज ही मिले हैं। आपका शुभ नाम आपने नहीं सुना? मक्खन लाल झावरमल घी वाला, मक्खनपुर में अपनी शुद्ध घी की फैक्ट्री है। अरे तो आप है वो लाला मक्खन लाल? क्या बात है साहब, किसने आपका नाम नहीं सुना है? लाइए हाथ। आपके पास मैं इसलिए आया हूँ कि आप मुझे अपना वोट दें। अरे साहब मेरा ही क्या, मेरे सारे दोस्तों का वोट आपको मिलेगा। शेठ साहब, मैं जनता का सेवक हूँ, बगैर भेदभाव छोटे बड़े अमीर गरीब सबकी मदद करता हूँ। मैं उन एक आंख के अंधों में से नहीं हूँ जिनको गरीबों के दुख और दर्द तो दिखाई देते हैं मगर अमीरों की चिंता नहीं होती। क्या कही है भाई जी, आप तो बात की जड़ उखाड़ लाए। और यही नहीं सेठ साहब, मैं तो हर काम में हर तरीके से हर किसी की हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहता हूँ। धन भाग, मैं जैसा ढूंढता था वैसा ही आदमी मिला। किसी दिन मेरी शुद्धी की फैक्ट्री देखने आइए ना। किसी दिन क्या साहब, आज ही चलिए इसी वक्त। मिस्टर संपत के यहाँ तगल्लुक का काम नहीं है, आइए चलिए ना। जी पहले आप। मिठाई तो बहुत बढ़िया है। क्यों साहब, ये मिठाई आपकी फैक्ट्री के शुद्ध घी से ही बनाई गई होगी? हाँ हाँ हाँ, मैं अपने दोस्तों के लिए अपना घी इस्तेमाल नहीं करता। तो ये आपका शुद्ध घी सिर्फ पब्लिक के लिए है, दोस्तों और घर वालों के लिए बाहर से? ठीक, मैं समझ गया साहब। आप बिल्कुल ठीक समझे। सेठ जी, हेल्थ अफसर की चिट्ठी आई है, वो सनीचर को फैक्ट्री के इंस्पेक्शन को आ रहा है और हमारे घी की जांच करना चाहता है। बाप रे, ये देखिए साहब, ये लोग हम व्यापारियों को पनपने देंगे? जब देखो माल जांचने की धमकी देते रहते हैं। साहब बुरा है तो हमारा, भला है तो हमारा, उनसे मतलब? बिल्कुल नहीं। और रही पब्लिक की बात, तो आजकल लोग अला बला सब कुछ हजम करने के आदि हो गए हैं। बताइए सही, छोटी छोटी बातों में सरकार का टांगड़ाना अपने को तो बहुत खटकता है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, भला कोई उनसे पूछे तो सही कि बिल्कुल शुद्ध घी बेचकर घी का व्यापारी कब तक जी सकता है? आप धंधे रोजगार की नस-नस पहचानते हैं। अरे साहब, मैं आपके सामने तो कुछ भी नहीं, आपके हथकंडे सीखने के लिए तो मुझे 10 बरस चाहिए, 10। आप तो जादूगर हैं, पानी में से घी निकाल लेते हैं। आप तो मुझे आसमान पे चढ़ा रहे हैं। अच्छा साहब, वो बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस? अरे साहब, वो आपका म्यूनिसिपल इलेक्शन। साहब इस घी के चक्कर में मैं वो सब भूल गया था। कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी हाँ कीजिए। आपका जो शुद्ध घी है जी, उसकी रोजाना बिक्री कितने की हो जाती है? असली खाते से बताऊं या इनकम टैक्स? इनकम टैक्स वाला ही बता दीजिए। तो 5 टीन। 5 टीन? अब असली खाते की सुनिए, 50 टीन।
50। साहब बिकते तो और ज्यादा, लेकिन आजकल कुछ बेईमान लोगों ने मेरे शुद्ध घी की नकल करना शुरू कर दिया, बिल्कुल बाजार ही बिगड़ गया। जी एक टीन कितने आदमियों के लिए काफी होता है? एक टीन 100 आदमियों के लिए काफी होता है। 100 आदमी? जी। तो यूं कहिए कि 5000 आदमी रोज आपका घी खाते हैं। जी हाँ। कितने दिनों से आप अपने शुद्ध घी से पब्लिक की सेवा कर रहे हैं? बराबर 5 साल से। 5 साल? जी हाँ। तो यूं कहिए कि 90 लाख आदमियों ने आपका घी खाया है 5 साल में। बल्कि ज्यादा लोगों ने खाया होगा साहब। जी तो इसका मतलब यह है कि ये 90 लाख आदमी जी आपको वोट नहीं देंगे। हाँ? आप घबराइए नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। मामूली म्युनिसिपल इलेक्शन तो है ही, 2-4 हजार आदमी वोट देंगे। आप माननी को जानते हैं? कौन माननी? वो कला मंदिर वाली? जी हाँ वही। उसके जरिए से आपका काम यूं हो जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि आप वोटर्स के लिए टी पार्टी का बंदोबस्त कीजिए। अच्छी बात है। मैं माननी को वहां ले आता हूँ, उसके कहने से सब आदमी आपकी वोट देंगे। तो कब मिलेंगे उससे? शाम को। आज उसका नाटक है, मुझे वहां जाना है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। जरूर जरूर। ए मुनीम जी, आप 2 सीट रिजर्व कराना, मगर मेहरबानी करके मेरे नाम से रिजर्व ना कराइएगा, क्योंकि अगर मालिनी को पता लग गया कि मैंने पैसे खर्चे हैं तो हाँ हाँ बिगड़ेगी। नहीं नहीं ना। आपकी गाड़ी? जी हाँ ले जाइए। ए ड्राइवर साहब को ले जाओ, जाइए। थैंक यू। हाँ सुनो, 53-63 साल की, आओ आओ कहानी सुनो, 53-63 साल की। ये कहानी अनोखी निराली ये है, घर घर की बात जी। ये कहानी अनोखी निराली ये ही घर घर की बात जी। वो आओ आओ कहानी सुनो, 53-63 साल की। कहिए साहब, पसंद आया? बहुत पसंद आया माय डार्लिंग। कौन? ओ तू है? नहीं तो क्या तेरे वो है? कौन? ओहो देखो तेरे हाथ में क्या है। मालिनी क्या है पिताजी? बेटी रिहर्सल में नहीं गई आज? आज रिहर्सल नहीं, खेल है पिताजी, इसीलिए सुंदरी बुलाने आई है। नमस्ते चाचा जी। आओ सुंदरी, आज तुम्हारा क्या पार्ट है? जी मैं मिस 53 बनूंगी और मालिनी मिस 63। भाई ये 53-63 क्या? ये आज के खेल का नाम है पिताजी। सुंदरी मिस 1953 बनेगी और मैं 1963। बहुत अच्छा खेल है, आप भी आइए ना चाचा जी। अब मैं क्या सीन कटाकर बछड़ों में मिलूंगा, तुम जाओ। चलो मालिनी देर हो रही है। आज मैं देर से आऊंगी पिताजी, आप खाना खा लीजिएगा। ले। अच्छा पिताजी। जरा क्रीम तो दे। कौन सी? ये या वो? ये। कहाँ जा रही हो? जी कहीं नहीं। मैं तुम दोनों से कुछ कहने आया हूँ। आज का खेल जरा मुश्किल है, पब्लिक को खेल का आइडिया अच्छी तरह समझाना तुम दोनों की एक्टिंग पर मुनहसर है, मगर मुझे यकीन है आज भी तुम दोनों की अदाकारी बेहतरीन होगी। जल्दी करो, खेल का वक्त होने को आया। क्यूरी तुम मुझे अकेली छोड़कर कहाँ भागी जा रही थी? मगर तुम्हारे उन्होंने भागने कब दिया? मैं तो तुम दोनों को बातें करने का मौका देना चाहती थी, मगर वो कुछ समझे तब ना। मुसीबत तो ये है कि तुम्हें उनसे प्रेम है, उन्हें पब्लिक से प्रेम है। घंटी बज गई, जल्दी चलो। डर नहीं अब हमको कोई डर नहीं, डर नहीं डर नहीं अब हमको कोई डर नहीं। 1963 का साल है, 1963 का साल है, 63 का साल है, हर आदमी खुशहाल है, हर आदमी खुशहाल है, कोई गम कोई फिक्र नहीं, अब हमको कोई डर नहीं, डर नहीं डर नहीं डर नहीं, डर नहीं।
ताज्जुब है? दुकानदार है नहीं, लोग माल लेते हैं और अपने आप दाम डालकर चले जाते हैं। हाँ हाँ, ये सन 1963 जो है, इस सन 63 में सब व्यापार इसी तरह से होता है। कीमतें ठीक हैं और लोग ईमानदार। चल? हाँ चलो आप देखें। हेलो एवरीबॉडी, यारो जरा एक गेम हमें भी खेल लेने दो ना, ऐसे भी क्या बात है। अच्छा अरे कैसी अजीब बात है, थाने में खेल हो रहा है। हाँ इस 63 के साल में जुर्म का कहीं नाम नहीं है, न खून न चोरी न मारपीट, आखिर पुलिस वाले किसी तरह वक्त तो काटे। ओ चलो आगे चले। मुनीम जी। जी कौन साहब? तुम्हें मालूम है आज हमारा जन्मदिन है और मैंने तुमसे कहा था कि आज मैं 200 गरीब मोहताजों को खाना खिलाऊंगा, उसका क्या किया? क्या बताऊं कंवर जी, शहर में कोई गरीब मोहताज हो तो बुलाऊं। तुमने अच्छी तरह ढूंढा भी? कंवर जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ढूंढा, मगर गरीब मोहताज का कहीं नाम निशान तक ना मिला। कैसा आश्चर्य है, हमारे देश में एक भी गरीब मोहताज नहीं रहा। मैंने कहा ना ये सन 1963 है, आओ चले। कहाँ? वापस अपने 53 के साल में। ना बाबा, मैं तो अब 63 के साल ही में रहूंगी। पगली, ये 63 का साल तो अभी एक सपना है, इसे सच बनाने के लिए सारे देश को मिलकर कोशिश करनी होगी। ओ तो आओ ये संदेश लोगों को सुनाएं। चलो मेहनत करा के अकेला खाता है 53 के साल में।
मालिनी देवी से कब मिलेंगे? मिलेंगे, आप घबराते क्यों हैं? ऐसा कीजिए जी, आप थोड़ी देर यहाँ ठहरिए जी, मैं अंदर देख के आता हूँ। हैं? बहुत अच्छा। ए, क्या भीड़ लगा रखी है, काम धंधा नहीं है तुम लोगों के पास? जाओ चलो। सलाम साहब। सलाम। देखो यहाँ पे लोग इकट्ठे ना हुआ करें, कोई अंदर चला गया तो? जी साहब। कौन है आप, क्या चाहते हैं? मालिनी कहाँ है? आप मालिनी देवी को जानते हैं? जानते हैं, अरे जानते नहीं तो आते कैसे? ओ हेलो मालिनी। क्यों मिस्टर, वो तो आपको जानती ही नहीं। शायद उसको दिखाई नहीं दिया, बिजली की रोशनी में आंखों के अंदर अंधेरा छा जाया करता है। कोई बात नहीं, मैं खुद चला जाता हूं। जी नहीं, वो लेडीज मेकअप रूम है, मर्द वहां नहीं जा सकते। तुम नहीं जानते किसके साथ बात कर रहे हो, ये कायदा कानून हमारे लिए कोई चीज नहीं है। कायदे कानून सबके लिए हैं जनाब। ओ हेलो, हाउ डू यू डू, कौन है आप? यार बड़े अजीब आदमी हो, इतनी जल्दी भूल गए? साहब ये कहते हैं, मालिनी देवी को जानता हूं और वो इन्हें पहचानती तक नहीं। दरबान, आई एम सॉरी, आई हैव गॉट एन एंगेजमेंट, फिर मिलेंगे। देखो अपना काम होशियारी से किया करो, किसी को अंदर मत आने देना। जी साहब। मिला है मालिनी देवी से? हाँ, मगर उनके सर में जरा दर्द था इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं ठहरा। वो तो बेचारी बहुत कहती रही कि चाय वगैरह पीते जाओ, मगर मैंने कहा कि मेरे एक दोस्त वहां खड़े हैं, उनके बगैर मैं चाय कैसे पी सकता हूँ। तो फिर टी पार्टी का क्या होगा? टी पार्टी, आप क्यों घबराते हैं, सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर छोड़िए ना। आइए। लीजिए साहब। थैंक यू। साहब कल रात मैंने आपको कला मंदिर थिएटर में देखा था। आप स्टेज के पिछले तरफ जा रहे थे, मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? मालिनी के कमरे में। ओह ओह, बड़ी मुसीबत है, एक जरा सा सांस भी लेता हूँ तो सारी दुनिया वालों को पता लग जाता है। और क्या देखा? और कुछ भी नहीं साहब। साहब आपको याद है पहली मरतबा मैं आपसे कुछ अर्ज किया था मालिनी के बारे में? वो उसका इंतजाम हो गया, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। सच? तुम्हारे पास 100 रुपए का चेंज है? नहीं तो। 100 रुपए का नोट है? हाँ। लाओ। हाँ? लगा। तकदीर के बड़े सिकंदर हो, बहुत जल्द तुम्हारे दिल की मुराद पूरी होने वाली। अच्छा कैसे? देखो वो मक्खनलाल घी वाले को जानते हो? हाँ। वो एक टी पार्टी दे रहे हैं। अच्छा, ताजमहल का ऑर्डर कैंसिल करा के तुम्हें दिलवाया है। मुझे? और यही नहीं, वहां मालिनी को बुलाया है। मालिनी को? हाँ। अब अपने हाथ से तुम उसे चाय का प्याला पिला सकते हो। ओ, मैं बहुत अच्छे, मालिनी को साहब, ओ मैं मालिनी को चाय, ओ कितने का है भाई ये? 400 रुपया। 400 रुपया? देखो भाई अपने पास तो जो 100 रुपए हैं इसमें कोई कैमरा मिल सकता है? जी हाँ, ये ले जाइए, आपके लिए 100 का। एहसान भी करते हो, ला रसीद घर भिजवा देना। आप कौन हैं? जरा यो इधर रोशनी में, जरा ऊपर देख।
देखिए जरा जरा इतना नहीं जरा कम थोड़ा जरा ऐसे हाँ ये उल्टी तरफ तेरी ना हो गिरिएगा नहीं ये जरा तेरी थैंक यू आप हैं कौन मैं कौन हूँ आपसे क्या सवाल करते हैं सारी दुनिया आपके बारे में जानना चाहती है कि आप कौन हैं मेरे बारे में जानना चाहती है जी हाँ आप नहीं जानते कि आप कितने बड़े आदमी हैं मुल्क की सबसे बड़ी हीरोइन के पिता हैं मैं उनके भी कुछ फोटो खींचना चाहता हूँ बैठिए ना चाचा जी आप बैठिए नहीं नहीं पहले आप बैठिए मैं बिटिया को बुलाता हूँ क्या मालिनी आई पिताजी बेटा ये साहब तुम्हारा कुछ फोटो खींचना चाहते हैं अखबारों में छपवाएंगे इसकी क्या जरूरत है पिताजी बहुत सख्त जरूरत है मालिनी देवी इतना ही नहीं दुनिया वाले आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं आपकी आंखें कैसी हैं आपके नाक कान होठ हाथ आपकी चाल ढाल बातचीत खाना पीना उठना बैठना मगर ये सब किस लिए इसलिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी हीरोइन हैं खूबसूरती में रीटा हेवर्स ट्रेजिडी में ग्रीटा गार्बो कॉमेडी में कार्मन मिरांडा नाचने में नीता गाने में गीता और नहाने में एस्थर विलियम्स आप नहीं जानती कि आप क्या क्या एक ही साथ इतनी खूबियां और ये कमाल तो यही देखें जरा एक मिनट जरा ऊपर को हाँ जरा आंख है हाँ हाँ ये एक्सेलेंट ये मुस्कुराहट अमेरिका में इस मुस्कुराहट को मिलियन डॉलर स्माइल कहते हैं मगर यहां इसकी कदर नहीं बैठ जाइए बैठे अब कुछ मतलब की बात हो जाए तो क्या पियेंगे आप चाय या शरबत साहब वो तो सारी उम्र ही पीते रहेंगे बात यह है कि काम के वक्त मिस्टर संपत खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं मिस्टर संपत कौन जी खाक सार न्यूज़पेपर रिपोर्टर ओ हाँ सर तो उम्र क्या है 65 साल आपकी उम्र का सवाल नहीं था मैं मालिनी देवी की उम्र पूछ रहा था ओह इसे तो अब 21वां साल लगा है तो उम्र 18 साल मैंने 21 कहा था मैंने सुन लिया आपको बात यह है चचा साहब कि आप पुराने जमाने के आदमी हैं आजकल हीरोइन की उम्र हमेशा 18 ही साल रहती है और जितना बड़ा नाम उतनी छोटी उम्र ओह जी हाँ आपकी हॉबी क्या है हॉबी हॉबी क्या हॉबी आप नहीं जानते हॉबी यानी यानी हॉबी कोई शौक खेल खेल यानी इन्हें किसी खेल से कोई दिलचस्पी नहीं है जी नहीं देखिए मैं समझाता हूँ आपको यानी मालिनी देवी शाम को काम काज से थक कर घर आएं उसके बाद क्या करेंगी उसके बाद क्या करेगी अरे साहब चप्पल उतारेगी हाथ मुंह धोएगी खाएगी और खाएगी और अगर कभी जल्दी आ गई तो मेरे लिए हलवा बनाएगी दैट्स इट हॉबी कुकिंग हॉबी कुकिंग रीडिंग अमेरिकन नॉवेल्स प्लेइंग पिंग पोंग एंड वॉलीबॉल इनके बाग में 200 तोते हैं और 300 मैनाएं जिनको हर सुबह अपने हाथ से हरी मिर्च और अमरूद खिलाती हैं मगर ये सब झूठ है ये पब्लिसिटी है देवी जी इसमें झूठ सच सब चलता है अच्छा एक आखिरी सवाल आपको साड़ी कौन से रंग की पसंद है ये आप क्यों पूछ रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ अरे साहब सारा हिंदुस्तान पूछ रहा है कि आप क्या पहनती हैं कैसे पहनती हैं और क्यों पहनती हैं तो साड़ी का रंग मुझे तो सब रंग पसंद है सब रंग पसंद है तो पचरंगी साड़ी नारंगी पल्ला तिरंगी किनारी न हल्की और न भारी थैंक यू मिस मालिनी थैंक यू चाचा साहब मैं भी क्या आदमी हूँ एक खास बात तो भूल ही गया चाचा जी आप सेठ मक्खनलाल को जानते हैं मक्खनलाल जी हाँ वही मक्खनलाल वही बहुत मशहूर आदमी है लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके उन्होंने कुएं मंदिर धर्मशालाएं गौशालाएं बनवाई हैं जनता के लिए अगले शनिचर को वो एक टी पार्टी दे रहे हैं शहर के बड़े बड़े मशहूर आदमी आएंगे
और उनमें सबसे पहला नाम होगा मालिनी देवी का। और चाचा जी आपको भी आना पड़ेगा। नहीं साहब, हम लोगों को ये झमेले पसंद नहीं, हमें तो अपने काम से काम। आप भी गजब करते हैं चाचा जी, अपनी बेटी को इतनी बड़ी स्टार बनाकर अब ये चाहते हैं कि घर की चार दीवारी में बंद रहे। बिजली को आप बोतल में बंद करना चाहते हैं। मालिनी देवी स्टार है, स्टार आसमान में चमकता है, अंधेरी गुफा में नहीं। ये कभी नहीं हो सकता, आपको जरूर आना पड़ेगा चाचा। क्यों मालिनी? मगर मुझे तो डायरेक्टर साहब से पूछना होगा पिताजी। डायरेक्टर साहब? वो डायरेक्टर साहब को भी बुलवाया है, वो भी आएंगे। अच्छा, ऑफ कोर्स। ए ठंडन गोपाल, इस कुर्सी पे कोई नहीं देवी बैठेगी, जल्दी करो। आप ही हैं हमारे देश मक्खन लाल। नमस्ते। नमस्ते। आजी, आजी। ब्रह्मचारी जी, जी ये मौका है, आपकी तकदीर खुल रही है। मालिनी देवी को अपने हाथ से चाय पिला दी। अभी लाया सरकार, आप बैठिए। क्या करते हो ब्रह्मचारी जी? चाय वाला पत्तनी। माफ करना, माफ करना। कोई बात नहीं है, यही लिखा था तुम्हारी तकदीर में। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी दूसरी चाय लाता हूँ। इस बार अभी लाया, अभी लाया। तो हम लोग चलें? जी हाँ चलिए, आइए आइए। अरे चले गए। तशरीफ रखिए, आप भी बैठिए चाचा। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे हिंदुस्तान की दो जबरदस्त हस्तियों से आपका तारुफ कराने का मौका मिला है। आप हैं सेठ मक्खनलाल झावरमल भीवाले, खानदानी रईस जिनके दान और धर्म का चर्चा सारी दुनिया में हो रहा है। और आपको कौन नहीं जानता, आप हैं स्टेज की मशहूर और मारूफ स्टार श्रीमती मालिनी देवी। ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने इस जलसे की सदर बनना मंजूर किया है। अब मैं सेठ मक्खनलाल से गुजारिश करूंगा कि अपनी तकरीर शुरू करें। बोलिए सेठ साहब, कुछ बोलिए। क्या बोलूं मैं, मैंने आज तक कुछ बोला ही नहीं है। जरूरत के वक्त तो जानवर भी बोलने लगते हैं। बोलिए कुछ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए ना। भाइयों और बहनों, यानी बहनों या भाइयों, यानी वो कागज जो मैंने दिया वो निकालो ना। बहनों और भाइयों, आज मैं आपकी सेवा में इसलिए। अरे लीजिए। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरी इतनी लंबी स्पीच को पूरी शांति के साथ सुना। क्या हुआ?
कुछ नहीं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। सज्जनों, आप लोगों की कदरदानी से सेठ साहब का दिल इतना भर आया है कि वो कुछ बोल नहीं सकते। हमारे सेठ साहब सच्चे कर्मवीर हैं, ये बोलते कम हैं और करते ज्यादा हैं। आप लोगों को ये मालूम करके बहुत खुशी होगी कि गरीबों की मदद के लिए सेठ साहब 10,000 रुपया दान देना चाहते हैं। मार डाला मुझे, ये क्या कहती आपने? ये तो लक्चरबाजी है, देता कौन है और लेता कौन है। जी बहुत अच्छा। साहिबान, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। सेठ साहब 10,000 रुपया नहीं, 20,000 रुपये का दान देने के लिए तैयार है। साहिबान, अगर आप अपने मुल्क और कौम की तरक्की चाहते हैं तो सेठ साहब को वोट दीजिए। सेठ साहब आपको वचन देते हैं कि गरीबों की गंदी बस्तियों को साफ करा देंगे, बेघरों के लिए घर बनवा देंगे, बेकारों के लिए काम दिलवा देंगे, हर जगह अस्पताल और हेल्थ सेंटर्स खुलवा देंगे। इसके अलावा मालिनी देवी कुछ बोले। जरूर जरूर मालिनी देवी, पब्लिक बहुत इसरार कर रही है कि आपसे कुछ सुने, कुछ कह दीजिए ना। मैं? जी हाँ, क्या हरे? बहनों और भाइयों, सेठ साहब ने पब्लिक की क्या क्या सेवाएं की हैं वो जानने का तो मुझे सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अभी अभी मैंने जो कुछ सुना है उससे मालूम होता है कि सेठ जी ने जनता की बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं। इसके अलावा अभी इन्होंने 20,000 रुपये का दान दिया है और जनता के लिए बहुत कुछ करने का वादा भी किया है। इसलिए मेरी राय में सेठ साहब ही सही आदमी हैं जिन्हें वोट दी जाए। मैं भी वोट सेठ साहब को दूंगी। सुनिए सुनिए, सेठ साहब का निशान है भैंसा। आप लोग सेठ साहब को वोट दीजिए, भैंसे को वोट दीजिए। भैंसे को मक्खन लाल को, भैंसे को मक्खन लाल को, भैंसे को मक्खन लाल को, भैंसे को। खर्चा कितना हुआ ये बताओ? 60,535 रुपए बारे आ। संपत बाबू ने लिए वो अलग। अलग का है? वो क्या वापस आने वाले हैं? उन्हें भी जोड़ो इसी में। तो कुल खर्चा 110,856 रुपए 6 आ। राम, मर गया मर गया मैं। मुबारक हो सेठ साहब, कंग्रेचुलेशन। आपने इलेक्शन कुछ शान से जीता है कि जैसे आगा खान का घोड़ा तुलिया डर्बी जीता। जी हाँ, पर वो जीतते हैं तो लाखों कमाते हैं और सेठ जी जीतते हैं तो लाखों गंवाते हैं। ऐसी परवाह क्यों करते हैं सेठ साहब? पैसा तो हाथ का मैल है, आज गया है कल आ जाएगा। अरे सेठ साहब, आज के दिन तो आपको नए दूल्हे की तरह से ठाठ बाट से बैठना चाहिए। ये क्या मुंह लटकाए बैठे हैं आप? मुंह क्या, मैं खुद लटक गया इस चुनाव की फांसी पर। देखिए सेठ साहब, कल तक आप एक मामूली से घी वाले थे और आज म्युनिसिपैलिटी के ऑनरेबल मेंबर। ये खर्चा नहीं है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट गया चूल्हे में। रोज सवेरे ही सवेरे लेनदारों की भीड़ लग जाती घर के सामने, होटल वाले, फोटो वाले, टैक्सी वाले, अखबार वाले, दो चार हो तो गिनाऊं, यहां तो सैकड़ों। ऐसे मौके पर तो हजारों होने चाहिए। हजारों नहीं लाखों होने चाहिए, मगर देने को पैसा भी हो। हमारे सेठ मक्खनलाल ऑनरेबल मेंबर के पास इन फजूल बातों का वक्त नहीं। मैं एक ऐसी स्कीम लाया हूं जो आपको थोड़े से दिनों में मालदार कर देगी। सपने में? क्या स्कीम है तुम्हारी? हम एक बैंक खोलेंगे। यहां मुंह खोलने की हिम्मत नहीं और तुम बैंक खोलोगे? सेठ साहब, अगर दिमाग हो ना तो स्वर्ग के दरवाजे भी खोले जा सकते हैं। सुनिए, हमारे बैंक का नाम होगा फ्रेंड्स बैंक और उसके चेयरमैन कौन होंगे? सेठ मक्खनलाल झावरमल, घी वाले एमसीसी। एमसीसी क्या? मेंबर सिटी कॉरपोरेशन। इस
मेंबरी के झमेले में तो मैं अपना धंधा भी नहीं संभाल सका। नतीजा ये हुआ कि दिवाला निकलने वाला। सेठ साहब यही तो मौका है बैंक खोलने का। और बैंक खोलने में लगता क्या है, एक दो चार लेटर हेड और एक साइन बोर्ड, चलो बैंक खुल गया। अच्छा और यही नहीं, हम इस मालिनी को अपने बैंक का डायरेक्टर बनाएंगे, फिर देखिए रुपया किस तरीके से गिरता है। चमा चम चमा चम चमा चम चमा चम। सच? हाँ। आपको ये सुन के खुशी होगी कि हमने एक बैंक खोल डाला है जिसका नाम है फ्रेंड्स बैंक। हम ये चाहते हैं कि उसमें सबसे पहला अकाउंट मालिनी देवी का हो, क्योंकि उनके हाथ की बोनी से हमारे बैंक में बड़ी बरकत हो। सोच क्या रहे हैं चाचा साहब, हमारा बैंक 20 रुपया सैकड़ा इंटरेस्ट देगा। 20 रुपया सैकड़ा? हाँ, और हर महीने। हर महीने? हाँ, हमारा बैंक कोऑपरेटिव सिस्टम पे काम करेगा। हम अपने लिए कुछ नहीं रखेंगे, जो कुछ मुनाफा होगा सबको बांट देंगे। अच्छा जी हाँ। इस तिजोरी में कितना रुपया है आपके पास? तिजोरी में? घबराइए नहीं, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं। 10,000 रुपये है। 10,000? इस 10,000 को इसमें बंद कर दो और 5 महीने के बाद ताला खोलो। कितने हो जाएंगे? 10 के 10,000। ये 10,000 रुपया हमारे फ्रेंड्स बैंक में जमा कराओ, 5 महीने के अंदर 20,000 हो जाते हैं। 10 के 20,000? सच? बिल्कुल। बीस हजार रुपए है, 40 बन जाएंगे ना? जरूर बन जाएंगे, नहीं क्यों? 20 रुपया सैकड़ा सुन, और वो भी हर महीने, इतना और कहाँ मिलेगा? हम तो अपना सारा रुपया फ्रेंड्स बैंक में ही जमा कराएंगे। कुमार जी, मैंने तुम्हें मालिनी को बुलाने के लिए कहा था, क्या हुआ? जी मैंने खबर भेज दी थी। कब? करीब 1 घंटा हुआ। अच्छा, नमस्ते साहब। तुम आ गए मालिनी, बैठो। जी आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी। कुछ दिनों से मैं तुम्हें एक तब्दीली देख रहा हूँ। न तुम ठीक वक्त पर रिहर्सल में आती हो, न ठीक तरह से अपना काम करती हो। वोट मांगने के लिए, इलेक्शन और टी पार्टियों में जाने के लिए, सभा सोसाइटियों की सदर बनकर फूलों के हार पहनने के लिए तुम्हारे पास काफी वक्त है। तुम इन बड़े लोगों के फेर में पड़कर अपने आप को निकम्मा बनाती जा रही हो। ये लोग जोंक की तरह खून चूस लेते हैं और पता तक नहीं चलने देते। इन्हें मालिनी की आर्ट की, मालिनी की भलाई की और मालिनी के भविष्य की कोई परवाह नहीं। मालिनी बने या बिगड़े उनकी बला से, वो तो तुम्हारी स्टार वैल्यू से अपना मतलब निकालना चाहते हैं। मेरी बात मानो तो इन लोगों का साथ छोड़कर पहले की तरह अपने काम से काम रखो। आगे तुम्हारी मर्जी, जो ठीक समझो करो। आज शाम को 6 बजे रिहर्सल है, उम्मीद है तुम ठीक वक्त पर आ जाओगी। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है बेटी, इस तरह उदास क्यों बैठी हो? वैसे ही पिताजी।
उधर वो तुमसे मिलने के लिए कब से बैठे हुए हैं? कौन? कोई नहीं मालिनी देवी, मैं इसलिए आया था कि क्या बात है? माफ कीजिए, मेरे पास आपकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनने का वक्त नहीं है, मुझे रिहर्सल को जाना है। रिहर्सल? मुझे पहले से शक था, आप जैसी ऊंची कलाकार को रिहर्सल की क्या जरूरत है? आपको रिहर्सल देना आपकी कला का अपमान कर रहा है, आप तो स्टेज पर सीधी जाके काम कर सकती हैं। मुश्किल यह है चाचा जी, अरे आप बैठिए ना, बैठिए चाचा। मुश्किल यह है कि ये थिएटर के लोग कुछ अजीब ख्यालात के होते हैं। मिसाल के तौर पर इस कला मंदिर के डायरेक्टर को ही ले लीजिए। आप हमारे डायरेक्टर साहब के बारे में ऐसी बातें ना कीजिए। रिहर्सल का वक्त हो गया, मैं जाती हूँ। बड़े शौक से जाइए, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस पे विश्वास करना चाहिए किस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये कहने वाला मैं कौन हूँ? मगर इतना कह ही देता हूँ कि आपको किसी से दब के नहीं रहना चाहिए। अगर आपका डायरेक्टर आपसे सख्ती से पेश आता है तो शायद वो किसी दूसरी की तरफ माइल हो गया है। आपकी बातों में मुझे बहुत देर हो गई। सब लोग आ गए? जी, मालिनी देवी के सिवा और सब आ गए। क्या मालिनी अभी तक नहीं आई? जी नहीं। आज रिहर्सल नहीं होगा, तुम सब जा सकते हो। मैंने कहा मालिनी के बगैर मैं रिहर्सल नहीं करूंगा, तुम जा सकते हो। साहब, उस नई लड़की निर्मला का मेकअप हो गया है, देखिएगा। अच्छा, आता हूं। क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो तुम लोग? आज रिहर्सल कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? जी हाँ। जरा मुंह इस तरफ करना, जरा और हाँ, टोपी लाओ, इसे पहनो। यूं नहीं, इस तरह। हाँ, अब तुम्हारा चेहरा सुंदर दिखाई देता है। अच्छा, तो फिर चाचा साहब मैं चलता हूँ। जाएंगे? जी हाँ। नमस्ते। नमस्ते। ओ हेलो, क्या हुआ, आप तो अभी रिहर्सल में गई थी, इतनी जल्दी वापस भी आ गए? जरूर कोई बात है, बताइए ना क्या हुआ। क्या बात है बेटी? मालूम होता है इनके डायरेक्टर साहब से इनका कुछ झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से इन्हें वापस आना पड़ा है। क्यों, यही बात है ना? बोलो बेटा। चाचा साहब, इस तरह रो रो कर तो ये अपनी सेहत बिगाड़ लेंगे, इनको चाहिए कि घूमें फिरें, सैर और तफरी करें, ताकि इनका जी हल्का हो। यूं क्यों नहीं करते कि कल हम लोग पिकनिक पे चले, परसों नाव के ऊपर सैर करने चले, और शनिचर के दिन महालक्ष्मी रेस कोर्स पे जाए, रेस देखें, वहां तरह तरह के आदमी आएंगे और इनका दिल बह जाएगा। देर हो गई, मुझे तो अब जाना होगा, आज हमारा खेल है। खेल तो रोज ही होता है मालिनी देवी, आज तो आप अपना दिल बहलाने आई हैं,
थोड़ी देर ठहरिए, अंदर चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। चलिए ना, चलिए चलिए। ओ हेलो राजा साहब। हेलो हेलो, कम ऑन। आप हैं मिस मालिनी देवी, स्टेज की मशहूर और मारूफ स्टार। आप हैं राजा सर राजमोहन। नमस्ते। नमस्ते। तशरीफ रखिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने आपका कोई ड्रामा नहीं देखा, इसका मुझे आज अफसोस है। क्यों? क्या भोलापन है, अगर मैं ड्रामा देखता तो अब तक आपको कई दफा देख लिया होता। कोई बात नहीं है सरकार, सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चाय हुजूर। हाँ। मुझे तो माफ कीजिए, बहुत देर हो गई, डायरेक्टर साहब नाराज होंगे। मालिनी देवी, आप बहुत बड़ी कलाकार हैं। मैं आपसे कई दफा कह चुका हूँ कि आप किसी से दब के ना रहा कीजिए। पब्लिक अगर आपको पसंद करती है तो आपका इंतजार करेगी। क्या ख्याल है राजा साहब? बेशक, अच्छी सूरत को देखने के लिए तो लोगों ने इंतजार में उम्रें गुजार दी हैं। हाउसफुल है, लोग टूटे पड़ते हैं। बड़ी अच्छी बात है, अभी तो लोग टूटे पड़ते हैं, थोड़ी देर में कुर्सियां टूटी पड़ी होंगी। साहब, खेल एक घंटे बाद शुरू करें तो? क्यों, मालिनी नहीं आई इसलिए? क्यों साहब, टिकटों के दाम लौटा दें? लोग दाम नहीं चाहते भाई, वो नाटक देखना चाहते हैं, और अगर हमने उन्हें अपना नाटक नहीं दिखाया तो वो स्टेज पर आकर अपना नाटक दिखा देंगे। कुमार जी, वक्त हो गया, मालिनी की जगह निर्मला को स्टेज पर भेजो। जी साहब।
तावीज दे के सबको बनाते हो तुम अमीर। ए भाई ए भाई, क्यों तुम अपनी बनाते नहीं तकदीर? लो मैं लाई सुइयां चाकू कैंची छुरियां। परवाह नहीं ये क्लास में नापास हो गए, परवाह नहीं ये क्लास में नापास हो गए। सिगरेट पीने में तो ये उस्ताद हो गए। लो मैं लाई सुइयां चाकू कैंची छुरियां, आई काबुल से यहां। लो मैं लाई सुइयां। किसने कहा प्रोहिबिशन नाकामयाब है? प्रोहिबिशन नाकामयाब है। कुप्पी है गंगा जल की पर अंदर शराब है। लो मैं लाई सुइयां चाकू कैंची छुरियां। हड़ताल करा के लीडर जी तो दूर हो गए, हड़ताल करा के लीडर जी तो दूर हो गए। क्या गम मरे मजदूर वो मशहूर हो गए। लो मैं लाई सुइयां चाकू कैंची छुरियां, आए काबुल से यहां। लो मैं लाई सुइयां। क्या मुझे बहुत देर हो गई? जी हाँ, मगर हमने खेल शुरू कर दिया। खेल शुरू कर दिया? कैसे? निर्मला आपकी जगह काम कर रही है। क्या डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? ओ मालिनी, तुम आ गई, खेल देखो। मैं यहाँ खेल देखने नहीं आई, अपना पार्ट करने आई थी। लेकिन आपसे इतना भी ना हो सका कि कुछ देर मेरा इंतजार कर लेते? आप समझते हैं कोई भी किसी का काम कर सकता है? ये नई छोकरी भला मेरा काम क्या करेगी? कुछ देर बैठकर देख लो ना कैसा काम करती है। जी हाँ जरूर देखूंगी। कल तक मैं कला मंदिर की शोभा और शांति, आज वो दिन भी आ गया कि कोई दूसरी मेरी जगह काम करे और मैं खड़ी देखा करूं। इतने दिनों की सेवा और लगन का मुझे खूब इनाम मिला, खूब इनाम मिला। आप किसी ने में दिल ही नहीं है। आप किसी के दिल को क्या पहचाने, किसी के दर्द को क्या जाने। आपको तो पब्लिक की वाह वाह से मतलब है, किसी की आहों से आपको क्या सरोकार। आपने कभी महसूस ही नहीं किया कि हम भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है। आपकी नजरों में तो हम बहुरूपीय हैं जो रोटी के दो टुकड़ों की खातिर तरह तरह के रूप धरते हैं। काश मैंने आपको न देखा होता, मैं आपसे न मिली होती। अब यहाँ मेरा कौन है, किसे अपना कहूँ, किसके लिए यहाँ रहूँ। मैं तो जाती हूँ, आप अपनी नई स्टार को चमकाइए, खूब चमकाइए। मालिनी मालिनी, क्या पागल हो गई है? जाने दे मुझे। आ सकती हूँ साहब? ओह सुंदरी आओ। मालिनी अच्छी लड़की है साहब, आज आप उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आए। तुम जानती हो सुंदरी, मैं बेकायदगी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं साहब, आप मालिनी को समझे ही नहीं, वो तो आपकी पूजा करती थी। आपकी शराफत और सच्चाई ने उसका मन मोह लिया। जिस दिन उसने आपको देखा उसी दिन से वो आपकी हो चुकी थी, मगर लज्जा के मारे वो अपने दिल का भेद आप पर जाहिर न कर सकी। आपकी बेपरवाही ने उसे निराश कर दिया। ऐसी हालत में वो कुछ गलतियां कर बैठी। उस बेचारी का बस इतना ही कसूर था कि वो आपके लिए अपने आप को भूल गई। उसकी इतनी मजाल, इतना घमंड। मुझे तो कल रात को पता लगा कि आपके साथ उन्होंने ये बर्ताव किया। शेख साहब घबराते हुए आए,
कहने लगे कि मालिनी देवी कल स्टेज पर आई नहीं। जब मैंने पूछा कि आपकी जगह किसने काम किया तो कहने लगे न मालूम कहां से एक मामूली छोकरी पकड़ लाए थे। क्यों सेठा जी? बिल्कुल बंदरिया जैसा तो मुंह था उसका, और जब गाती थी तो गले से आठ आठ सुर एक साथ निकलते थे। वो गोश्त हुई कि मैं तो भागा वहां से, और उसी वक्त कसम खाई मैंने कि अब ड्रामा देखूंगा तो वो, कि जिसमें मालिनी देवी का पार्ट हो। जी वो दिन गए, अब मैं स्टेज पर ना आ सकूंगी। अजी आप लाख ना आना चाहें लेकिन पब्लिक कब मानने वाली है? अगर आप स्टेज पर ना आई तो पब्लिक हमारी जान खा जाएगी। बड़े आए पब्लिक वाले, बैठे बिठाए मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब चले हैं हमदर्दी दिखाने। शांति से काम लीजिए चाचा जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपसे मिलिए, आप हमारे दोस्त सेठ मक्खनलाल झावरमल घी वाले, MCC मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रेंड्स बैंक। आपकी तारीफ तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, आप मालिनी जी के पिताजी। नमस्ते। नमस्ते। बैठ जाइए ना, बैठिए। अब हमारी स्कीम सुनिए। कागजात तो मैं गाड़ी में ही भूल आया, एक मिनट में आता हूँ, माफ कीजिएगा। डायरेक्टर साहब, क्या मालिनी देवी का अपमान करने में कसर बाकी रह गई थी जो यहाँ भी तशरीफ लाए हैं? मैं आपसे बात करने नहीं आया। बदकिस्मती से आपको मुझी से बात करनी होगी। क्यों? इसलिए कि खाकसार मालिनी देवी का पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया गया है। आप कुछ भी हो, मैं मालिनी देवी से मिलना चाहता हूँ। उनको मालूम होना चाहिए कि मैं आया हूँ। इत्मीनान से काम लीजिए, वो पर्दा आपने बंद होते हुए देखा था। आपको तशरीफ लाते हुए देख कर मालिनी देवी ने अपने हाथ से बंद किया था। क्या? हाँ, और यह भी फरमाया था कि वो आपकी सूरत नहीं देखना चाहती। ये मालिनी देवी के अल्फाज हैं? इत्तफाक से, हर्फ बहर्फ। अच्छा, नमस्ते। क्यों सेठ साहब, वो स्कीम आपने बताई या नहीं मालिनी देवी को? जी नहीं, मैंने सोचा आप ही बतलाएं तो अच्छा है। तो सुनिए, हमारी स्कीम ये है कि आज से मालिनी देवी को किसी दूसरे की नौकरी करने की जरूरत नहीं है। वो खुद अपनी थिएट्रिकल कंपनी खोल रही है। हाँ जी हाँ, सब इंतजाम कर लिया गया है। क्यों सेठ साहब, कला मंदिर का अगला खेल कब है? इसी इतवार को। ठीक, तो इसी इतवार को कला मंदिर के मुकाबले में MD थिएट्रिकल कंपनी यानी मालिनी देवी थिएट्रिकल कंपनी का पहला खेल पूरी शान और शौकत के साथ पेश किया जाएगा। अजी ये सब तो ठीक है, मगर पैसा कहाँ से आएगा? पैसा? ये रहा पैसा, ये रहा दिमाग, ये रही स्टार, बस और क्या चाहिए। जानते हैं इसकी ओपनिंग सेरेमनी कौन करेगा? रईस आजम सर राज मोहन बहादुर GBSICBE। धरने की जगह नहीं है, चांदी बरस रही है। चांदी 3 रुपए वाले टिकट 30-30 रुपए को बिक रहे हैं, ये सब आप ही की बरकत है। मालिनी देवी, आज तो आपका मुखड़ा यानी आपकी बिंदिया गजब ढा रही है। सेठ साहब जी, वक्त हो रहा है, इनको तैयारी करने दो। जी हाँ, जरूर जरूर। मालिनी देवी, चाय, शरबत, कॉफी। अरे भाई, तुम क्या यहाँ आकर गड़बड़ मचाते हो? देखते नहीं हो ये तैयारी कर रही है? इसे यहीं रख दो और जाकर बाहर अपना काम करो। रखो रखो। चलो
बात। मालिनी देवी, सीन सातवें का नवा डायलॉग यूं है, महर्षि आपकी तपस्या का फल ये, इसे संभालिए। हे मिस्टर कविराज, देखो मालिनी देवी अपने मुंह से जो कुछ भी कह देंगी पब्लिक उसको बड़े शौक से सुन लेगी। ये सातवां आठवां डायलॉग सुना के उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? बहुत अच्छे देवी जी, आपके जी में जो आए कह दीजिएगा। थैंक यू। ये क्या शोर मचा रखा है, कैसे हैं ये लोग? हमारे कला मंदिर में कभी इस तरह शोरगुल नहीं होता। वहां शोरगुल हो कैसे, कोई देखने वाला ही नहीं है। मैं अभी वहां से आ रहा हूँ, उल्लू बोल रहे हैं उल्लू। बहुत देर हो गई, अब खेल शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो लोग लोगों को मारो गोली उनकी कौन परवाह करता है, मगर जब तक हमारे प्रेसिडेंट साहब नहीं आ जाएंगे खेल कैसे शुरू हो सकता है। संपत साहब वो आ गए। माफ कीजिए मालिनी देवी, मुझे कुछ देर हो गई। बात यह है कि आप तो आज बहुत हसीन नजर आ रही हैं, जैसे कोई अप्सरा हो। लोग शोर मचा रहे हैं। क्यों साहब, खेल शुरू कर दिया जाए? हाँ हाँ जरूर, आइए। देवेंद्र देव की जय जय जय, सुरभद्र सुरेंद्र की जय जय जय, नरभद्र नरेंद्र की जय जय जय, गजपति महेंद्र की जय, महेंद्र की जय, महेंद्र की जय। डोल उठा इंद्रासन मेरा नारद जी बतलाओ, क्यों डोल उठा इंद्रासन मेरा नारद जी बतलाओ, तुम तीन लोक में विचरण करते ये भेद हमें समझाओ। वो विश्वामित्र महान तपस्वी करे तपस्या भारी, वो छीनेगा तेरा राज स्वर्ग का और अप्सरा सारी, वो छीनेगा तेरा राज स्वर्ग का और अप्सरा सारी, तप भंग करने को भेज अप्सरा जल्दी। नारायण। ओ रंभा, तुम विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए जाओ। क्षमा महाराज, मुझे सुखदेव मुनि की सेवा को जाना है। ओ उर्वशी कित बसी, जल्दी तुम जाओ। स्वामी, मुझे तो धनुर्धारी अर्जुन के पास जाने की आज्ञा है ना? तिलोत्तमा, तुम ही जाओ और मुनि को प्रेम की मदिरा पिलाओ। मुझे तो मुनि के श्राप से डर लगता है महाराज। ओ मृगनैनी मधुबैनी मैनका, तुम हो कहाँ, तुम हो कहाँ। स्वामी,
सलोनी जाओ तुम जाओ। अब तो जो शोक तुम स्वामी नाथ हमारे, अब तो जो शोक तुम स्वामी नाथ हमारे सब बड़े बड़े ब्रह्मचारी मुझसे हारे मुझसे हारे। मैं जाऊं और सुलझाऊं सभी समस्या, तपधारी की कर आऊं भंग तपस्या। I'm gonna make it।
देखो जी हम नर्स बने देखो जी हम सेवा करने को आई आई हम नर्स बने देखो जी तो देख देख हमको खुद डॉक्टर मरीज हो जाते खुद डॉक्टर मरीज हो जाते और नर्स नर्स चिल्लाते देखो जी देखो जी नर्स नर्स ब्लड प्रेशर मेरा तुम्हें देखते ही बढ़ जाता है क्लोरोफार्म की नहीं जरूरत हो छुड़ जाता है साहब आज भी खेल अच्छा हुआ लोगों को बहुत पसंद आया आज मालिनी होती तो खेल का रंग कुछ और ही होता जमा का खाता दिखाना खर्च का खाता जाओ कहिए सही साहब कैसे चल रहा है बैंक आपका क्या चल रहा है साहब जितना रुपया आता है सब ब्याज में ही चला जाता है मूलधन का कहीं पता ही नहीं लगता है अच्छा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है क्या गड़बड़ आज अभी अभी मैंने हिसाब देखा है जमा रकम 10 लाख सूद जो देना पड़ा 8 लाख और खर्चा तनख्वाह वगैरह मिलाकर 2 लाख आज पेट्रोल को भी पैसा नहीं अच्छा जी हाँ एक का पैसा जमा किया वो दूसरे को सूद में दे दिया तो हमें इस मुफ्त के हाथ घिसाई से क्या फायदा क्या फायदा अरे और क्या किसी को खाओगे सही साहब ये का कम फायदा है कि आप और मैं मुफ्त में ठाट कर रहे हैं फिलहाल हमारी गाड़ी तो मजे में चल रही है 10,000 रुपया तुमको तनख्वाह मिलती है 10,000 रुपया मुझे मेहनताना मिलता है रहने के लिए बड़ा बंगला बिजली के पंखे सवारी के लिए मोटर बड़े बड़े आदमियों से मेल जोल रेस क्लब ये सब क्या तुम्हारे इस शुद्ध घी से निकल सकता था तो साहब ये सब इस बैंक से भी नहीं निकल सकता मगर क्यों नहीं निकल सकता कैसे निकल सकता ये 20 रुपए सैकड़े की दर जो ज्यादा ये 20 रुपया सैकड़ा की दर ज्यादा नहीं है हमारे बैंक में पैसे जमा कराने वालों की तादाद कम है उसके लिए मामूली सी तरकीब है 2-4 आसामियों और फांस लेते हैं क्या ख्याल अब आप ही सोचिए ये लो मामूली सी बात पे आप तो घबरा जाते हैं हाँ राजा साहब हैं मैं मिस्टर संपत उनसे मेरी तरफ से अर्ज कर दीजिए कि मैं उनसे मिलने आ रहा हूं थैंक यू लो इतनी सी बात थी जिसे अफसाना कर दिया है, क्या प्यारा अंदाज है बहुत देखी मगर ये हुस्न जमाल आज तक नजर ना आया क्या ख्याल है रूप और कला को सरकार से ज्यादा और कौन पहचान सकता है मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि मालिनी देवी ने जो सूरत पाई है उससे अच्छी सीरत पाई दो दफा उनसे मुलाकात तो जरूर हुई है लेकिन कभी बैठकर बातें करने का मौका नहीं मिला मैं चाहता हूं कि किसी वक्त हम सब लोग मिलें एक दूसरे को अच्छी तरह से जाने पहचाने जी हाँ जरूर जरूर सरकार ऐसा करें खैर अब तो देर हो गई कल एक छोटी सी पार्टी दें और वहां मालिनी देवी को भी बुला लें बहुत अच्छा ख्याल है तो फिर तय रहा जी हाँ बिल्कुल बात यह थी कि मालिनी देवी खुद आपसे मिलना चाहती थी सरकार को शायद मालूम होगा वो फ्रेंड्स बैंक की डायरेक्टर है अच्छा जी हाँ उन्हीं का यह ख्याल था कि अगर सरकार का एक छोटा सा अकाउंट उनके बैंक में खुल जाए तो बहुत अच्छा शुभ कामों में राजाओं महाराजाओं का हाथ लगना जरा मुबारक कहा जाता है हाँ हाँ मालिनी देवी जो कहेंगे वो हो जाएगा सेक्रेटरी हुजूर देखो फ्रेंड्स बैंक के नाम 1,00,000 रुपए का चेक काट दो सरकार ने 2 लाख फरमाया ना अच्छा 2 लाख ही सही देखो 2,00,000 रुपए का चेक भेजना जी हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया अब इजाजत अच्छा तो कल शाम के खाने पर हम लोग मिलेंगे जी हाँ जरूर Ha 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 ha
यानी कि सोचिए, भूख से तड़पना, भीख मांगना, बेगार, बेकारी, भला इनमें भी कोई ड्रामा है? मैं तो कहूंगा कि मालिनी देवी ने बहुत ही अच्छा किया कि कला मंदिर छोड़ दिया। जी ये बात नहीं है, डायरेक्टर साहब ऐसे ही नाटक पसंद करते हैं जिनमें आर्ट हो, कोई सीख हो। तो यानी थिएटर ना हुआ पाठशाला हो गई। मालिनी देवी लोग पैसा देकर उपदेश सुनने नहीं जाते, बल्कि दो घड़ी दिल बहलाने के लिए जाते हैं। क्यों सेठ साहब? सेठ साहब, आप ही से कह रहा हूं। जी हाँ। हाथ से खाइए, हाथ। और खाइए, और खाइए। मालिनी देवी, ये कश्मीर का केसर पाक है, खास आप ही के लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है, खाइए ना। अरे आपने तो कुछ खाया नहीं। तकल्लुफ ना कीजिए मालिनी देवी। जी नहीं, मैं खा रही हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या हुआ सेठ जी, क्या हुआ? हुआ तेरा सर, सारी चीजें तेल में बना के रख दी। तेल में बना के रख दी? ये तो आप ही की शुद्धगी में बनाई हुई है। मेरे शुद्धगी में? डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इनको थोड़ा सा पानी पिलाओ। अभी लाया। पानी पीजिए सेठ जी, पानी पीजिए। और अरे बाल्टी ला, बाल्टी। आप भी क्या आदमी है सेठ साहब, माल पर आया था मगर पेट तो आपका था। साहिबान, अब मैं स्टेज की रानी, हुस्न की देवी मिस मालिनी को अपनी और आप सब लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने यहाँ तशरीफ लाकर दावत की रौनक बढ़ाई। नमस्ते 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 नमस्ते। इजाजत चाहता हूँ। जाइएगा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दावत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। बड़ी मेहरबानी। आप भी जा रहे हैं? अरे साहब इतनी क्या जल्दी है, कुछ देर और ठहरिए ना। मुझे तो माफ कीजिए। बात यह है सरकार कि आप यहाँ का खाना इन्हें इतना पसंद आया है कि इन्होंने काफी से ज्यादा इंसाफ किया है। इस हालत में ये अकेले तो जा नहीं सकते, मुझे इनको छोड़ने जाना पड़ेगा। अच्छा तो नमस्ते। अरे वाह साहब, इनकी तो तबीयत खराब है मगर आपको क्या जल्दी है, कुछ देर ठहरिए, हमारी आर्ट गैलरी देखिए, तब चली जाइएगा। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ राजा साहब, इन्हें छोड़ के फिर वापस आ जाता। आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है, मालिनी देवी को मैं पहुंचा दूंगा। अच्छा तो फिर इजाजत दीजिए, चलिए। चलिए। ये हमारे परदादा राजा रुद्र प्रताप सिंह बहादुर की तस्वीर है। ये क्या, आदमी की खोपड़ी? ये मिस्र की मलिका क्लियोपैट्रा की खोपड़ी है, जो कि अपने हुस्न जमाल में बेमिसाल थी। इसे हमारे दादा ने पेरिस में खरीदा था 6,000 रुपए में। 6,000 रुपए में? मालिनी देवी, हम तो हुस्न के पुजारी हैं, हुस्न के सामने रुपए की कोई कीमत नहीं समझते। आइए। हजूर, कार की जरूरत है या मैं जाऊं? क्या बताऊं भाई, कुछ देर और ठहर जाओ। जी अच्छा। तुम इंसान हो या हैवान, जलील कहीं के? सूरज से भले मालूम होते हो मगर हो अव्वल दर्जे की कमीने। एक औरत को कमरे में लाकर दरवाजा बंद कर देना कहां की शराफत है? क्या समझ रखा है तुमने मुझे?
तुम समझते हो कि दुनिया की हर चीज दौलत से खरीदी जा सकती है। खबरदार जो आपसे किसी स्त्री का अपमान किया। हेलो सेक्रेटरी, वो लड़की आ रही है, उसे अपनी गाड़ी में उसके घर भेज दो। और देखो कल सुबह फ्रेंड्स बैंक जाकर हमारा सारा रुपया निकाल लो, एक एक पाई, समझे? मिस्टर संपत। ओ मिस मालिनी देवी, क्या हुआ? आपको मालूम है उस पाजी ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया? किसने? आप तो उस दिन मुझे महल में छोड़कर चले आए और आपके महाराजा साहब ने। क्या कोई बेअदबी की उसने? उसने तो अपनी करनी में कोई कसर न रखी थी, वो तो मैं किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर भाग आई। मुझे नहीं मालूम था कि वो भेड़ की खाल में भेड़िया है। वो क्या है ये मुझे वहाँ ले जाने से पहले आपको मालूम कर लेना चाहिए था। आइंदा मैं इस तरह कहीं पार्टी वार्टी में न जाऊंगी। संपत साहब, सब चौपट हो गया। चौपट हो गया? क्या हुआ बताइए तो। वो राजा साहब अपना सारा रुपया बैंक से निकालना चाहते हैं, और आज शाम से पहले पहले, नहीं तो कहते हैं मामला पुलिस के हाथों में दे देंगे। मजाक समझ रखा है। अरे पुलिस को एक रिस्पेक्टेबल बैंक से क्या मतलब? ये सही है, मगर अब करें क्या? करना क्या है, रुपया देना होगा। मगर कहाँ से? ओहो आप इतना घबराते क्यों हैं? बैठ जाइए आराम से, मैं आपको समझाता हूँ। दुनिया में हर मर्ज की दवा है। देखिए मामूली सी बात है, हमारी थिएट्रिकल कंपनी आज तक दिन में सिर्फ एक ही शो देती आई, कल से वो दो देगी, तीन देगी, और इस तरह जल्दी से जल्दी रुपया हम अदा कर देंगे। मालिनी देवी अभी तक लोगों के दिलों पर राज करती है, और हमारे कविराज के पास सैकड़ों ड्रामे लिखे हुए रखे हैं। नित नए ड्रामे खेलेंगे, हर रोज एक नया खेल खेलेंगे। Yeah.
साहब के डीसी का फोन फिर आया है, अगर शाम तक रुपया अदा नहीं हुआ तो हम जेल में। हेलो हेलो, अब मरे। ये हमारी थिएट्रिकल कंपनी का जो रुपया है वो भी तो यही जमा होता है, उसमें से दे दो। उन्हें तो दे देंगे, लेकिन अगर औरों को मालूम हो गया कि राजा साहब ने अपना सारा रुपया निकाल लिया तो जान मुसीबत में आ जाएगी। हेलो जी, ये लीजिए, सेठ जमनालाल भी अपना रुपया मांग रहे हैं। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपनी गाय कमाई का रुपया मांगते हैं। हमारा रुपया तो बाय आउट दे, बेईमान कहीं के। कैसा हल्ला मचा रखा है, सबके सब अपना रुपया मांग रहे हैं, मेरा तो जी घबरा रहा है। संपत साहब, हमारा रुपया दो नहीं तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। सुना आपने, कहते हैं हमारा रुपया दो नहीं तो हम जान ले लेंगे। ठीक तो है, उनका रुपया है वो तो देना होगा। हाँ हाँ, मगर कहाँ से, कैसे? कैसे, कहाँ से, कब, ये क्या बच्चों के से सवाल करते हैं आप होश में हैं या नहीं? लाखों रुपए का इंतजाम एकदम कैसे किया जा सकता है? ये तो आपको मालूम होना चाहिए, आप बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, मेरा इससे क्या वास्ता। वाह वाह वाह, क्या सफाई से आप निकले जा रहे हैं, जैसे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखिए सेठ साहब जी, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि आपका बैंक खुलवा दिया, आपको बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर बनवा दिया जी, आपके लिए मोटी मोटी मुर्गियां फंसा के लाया। अब अगर आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि आप उनसे कुछ फायदा उठा सके तो इसमें मेरा कसूर नहीं। नहीं साहब, आपका कोई कसूर नहीं, सब कसूर मेरी तकदीर का। मैं क्या करूं भगवान, मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद होने की क्या बात है, आपके पास वो पुराना अपने शुद्ध घी का नुस्खा तो है। नुस्खे को मैं शहद लगा के चाटू, फैक्ट्री चलाने के लिए रुपया कहां से लाऊंगा? ये मैं नहीं जानता। I'm sorry, I've got a very important engagement. पाजी, मक्कार, धोखेबाज, चीरियो, कमीना, दगाबाज कहीं का, बर्बाद कर गया मुझे। अब मैं क्या करूं राम। मैं जो कहता हूं वो करो, आज कोई मेकअप को न जाए। तीन तीन महीनों से पगार नहीं मिली, अरे मैंने तो चार महीनों से पैसे का मुंह नहीं देखा। सुनते हो, ये अंधेर है यहां। तुम लोग ये क्या बैठे बैठे खिचड़ी पका रहे हो, खेल का वक्त हो गया, मेकअप क्यों नहीं करते? जी हम आज, तू कह दे साहब, बात ये है कि क्या बात है कहो ना। आज हम सब लोग हड़ताल करने वाले हैं, महीनों से हम लोगों को पैसा नहीं मिला। मैनेजर साहब के पास जाते हैं तो ये हमें धक्के देकर निकलवा देते हैं, और आपसे मिलना चाहते हैं तो ये हमें मिलने नहीं देते। पेट में आग लगी हो तो गले से राग नहीं निकलता। बड़े आए कंपनी के चीफ एक्टर कि हर महीने के महीने इनको तनख्वाह दी जाए। ए, क्या बजा है इस वक्त? 6 बजे। खेल कितने बजे शुरू होता है? 7 बजे। खेल शुरू होने में कितना टाइम बाकी? 1 घंटा। तो सुनो, कानून के मुताबिक तुम्हें 24 घंटे का नोटिस देना चाहिए, वरना तुम्हारा हड़ताल करना कानून के खिलाफ होगा, समझे? हम कानून बानून कुछ नहीं जानते, हम खेल रोक सकते हैं बस। तुम लोग जेल जाना चाहते हो? यहाँ मुंह पर चूना मलकर भूखो मरने से तो जेल जाना ही अच्छा है, रोटी तो मिलेगी। वहाँ होटल में ये लोग बड़े खड़ा करते थे, मैंने इनको एक्टर बनाया और ये छोकर मेरे सामने जबान चलाते, बदतमीज कहीं के। होटल में हम लोग भूखे नहीं मरते थे साहब। देखो, मुझे ये सब मालूम न था, तुम लोग जाकर मेकअप करो, मैं तुम्हारी पाई पाई दिलवा दूंगी। जी अच्छा। क्या फैसला हुआ बेटी? आज के खेल में काम करने को तो वो लोग राजी हो गए हैं। तो कुछ भी हो,
मुझे तो यहाँ के रंग ढंग अच्छे नहीं मालूम होते बेटी। रोज दो दो तीन तीन खेल होते हैं और रुपया भी खूब आता है, मगर ये पता नहीं चलता कि वो सब चला कहाँ जाता है। जिधर देखो देना ही देना, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों की तादाद में लेनदार रोज चले आते हैं। आखिर इन सब रुपयों का होता क्या है मालिनी? मेरी समझ में भी कुछ नहीं आता पिताजी। आज का खेल हो जाए तब उस संपत से पूछेंगे। जी अच्छी खेती बारी। पाते हैं ना सजा भयंकर चोर और व्यभिचारी? हाँ जी। छुपा नहीं ना कहीं किले में कोई पुरुष शनारी? ना जी। हाँ जी। ए, तुम कौन हो? सारे राजा महाराजाओं को अपनी सत्ता के नीचे दबा देने वाली हमारी महारानी मायावती देवी के दरबार में बिना आज्ञा के चले आने वाले आदमी तुम कौन हो? जी मैं आदमी नहीं हूँ, मैं हाईकोर्ट का अमीन हूँ। दरबार से निकाल बाहर करो। मुझे कोई नहीं निकाल सकता, मैं कुर्की का परवाना लेकर आया हूँ। आए, कुर्की का परवाना? जी हाँ। देवी जी, क्या आप ही का नाम मालिनी देवी है? तो सुनिए, मुद्दयान बनाम श्रीमती मालिनी देवी, मालकिन MD थिएट्रिकल कंपनी, मुद्दायल श्रीमती मालिनी देवी, आपको मुतलावा आगाह किया जाता है कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपने कुल रकम अदा ना की तो मुताबिक हुक्म हजूर हाई कोर्ट के ये MD थिएट्रिकल कंपनी व नीज आपकी कुल जायदाद कुर्क व नीलाम कर दी जाएगी। मुझे सपने में भी ख्याल न था कि नौबत यहां तक पहुंच जाएगी। हमें तो इस मामले का बिल्कुल पता नहीं था, सब कुछ इंतजाम मैनेजर के हाथ में था। हम मैनेजर कुछ नहीं जानते, हमारा पैसा लो। नाटक लिखते लिखते हमारे हाथ घिस गए और ये हम ही को नाटक दिखाते। एक एक करके अदब और कायदे से मांगो, सब मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? कब, कैसे, कहाँ, ये क्या बच्चों की तरह सवाल करते हो? ये सब क्या है? जो रुपया मुझसे आपने लिया था उसका क्या हुआ? थिएटर की आमदनी सबकी सब कहां गई? मालिनी, क्या यही वक्त है हिसाब किताब करने का? अरे तुम्हारा जो रुपया पैसा था सब मैंने यही खर्च कर दिया। मेरे पास तो कुल 3.5 आने हैं, उसमें से 2 आने की तो पीऊंगा चाय और 2 पैसे का खाऊंगा पान, और ये इकन्नी बाकी है तो ये लीजिए। हम कहते हैं इसी तरह हमारे रुपयों का हिसाब दो और तुम बातें बनाते हो। चाचा जी गुस्सा ना कीजिए, शांति से काम लीजिए, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा। तुम इतना घबराती क्यों हो मालिनी? तुम्हारा काम, नाम, पर्सनैलिटी, पब्लिसिटी, ये तो कहीं नहीं गए। कुछ रुपया गया तो गया, आजकल आजादी का जमाना है, हम लोग हर तरह आजाद हैं, जितना कर्जा चाहें ले और लेकर वापस न दे। मैं कहता हूं कि अगर ये लोग सराफत से मांगते हैं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ दे देगा, और अगर नहीं मानते तो मामूली तरकीब है, तुम दिवालिया बन जाओ। क्या कहा?
मैं दिवालिया बन जाऊं? मक्कार, धोखेबाज, चले जाओ यहाँ। हाँ, इतना चिल्लाती क्यों हो? अगर गला बैठ गया तो काम भी ना कर सकोगे स्टेज पर। ठीक, बेशर्म कहीं के, तुमने मुझे भी धोखा दिया और इन लोगों को भी ठगा। भाइयों, आपने मेरे नाम का भरोसा करके कर्जा दिया, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि अपना घर बार गहना पाता सब कुछ बेच बाज कर आपकी पाई पाई अदा कर दूंगी। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। दगाबाज, तूने अपनी बातों में उलझाकर मुझे अपनों से बेगाना बना दिया, मददगारों से अलहदा कर दिया, मेरा सारा रुपया बर्बाद कर डाला और दुनिया के सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल न रखा। दूर हो मेरे सामने से। पिताजी, पुलिस को बुलाइए। देवी जी, ना आपको पुलिस बुलाने की जरूरत है ना मिलिट्री। बंदे का तो उसूल है कि निकाले जाने से पहले ही निकल जाए। I've got a very important engagement. तो इंगेजमेंट को जाया जहन्नुम में, दफा हो यहां से, मुंह काला कर अपना। थैंक यू चाचा जी, चीरी हो। देवी जी, मैं हूं मैं, बजरंग ब्रह्मचारी, हनुमान विलास होटल का प्रोप्राइटर। देवी जी, अभी आपकी मीठी आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। आप तो कमाल की एक्टिंग करती हैं देवी जी, कमाल की। देवी जी, मैं ऐसे ही नाटकों का दीवाना हूँ जिनमें पुराने और नए की मिलावट हो। सर पे सोने का राजमुकुट और हाथ में हाई कोर्ट की डिग्री। हमारा रुपया मिल गया। रुपया मिल गया? जी हाँ। सबको? सबको मिल गया। अब नीलाम की कोई जरूरत नहीं है। मालिनी, लेनदार कहते हैं कि उन्हें रुपया मिल गया। रुपया मिल गया? हाँ, और नीलाम भी बंद हो गया। दिया होगा इतना रुपया? मैं जानती हूं पिताजी, किन्होंने दिया है। मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको समझने में भूल की। आप महान हैं। यदि मैं फिर आपकी कृपा के योग्य हो सकी तो अपने को धन्य समझूंगी। आज मेरे मन की साथ पूरी हुई और मेरे मन की भी। हाँ मालिनी, अब तो तुम मुझे कभी छोड़कर ना जाओगी ना? कभी नहीं। आइसक्रीम कुल्फी मलाई वाला, आइसक्रीम कुल्फी मलाई वाला, लड्डू समोसा शुद्ध घी वाला, आइसक्रीम कुल्फी मलाई वाला, लड्डू समोसा शुद्ध घी वाला। कुल्फी, कुल्फी। ओ, ए, हटा हटा रे को, बीच रास्ते में खड़ा हो गया है, हटा। अरे सड़क तेरे बाप की है बे, हनुमान विलास वाला। अरे सेठ मक्खनलाल जी, घी वाला। ओ बजरंग, ओ तकदीर। हरिओम तत् सत्, हरिओम तत् सत्। ये सब संसार एक नाटक है बच्चा। इसके अंदर तुम, हम, ये लोग, ये रेलगाड़ी, सब खिलाड़ी हैं। अपना अपना खेल दिखाकर पर्दा गिरते ही जैसे सब लोग आते हैं वैसे ही वापस चले जाते हैं। टिकट प्लीज, टिकट।
ये भी संसार के नाटक का एक खिलाड़ी। टिकट आनंदम परमानंदम, साधुओं के पास तो बच्चा ये भभूत है, इसको ले जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। प्रणाम महाराज, प्रणाम।